मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप ANI की तरफ से देश को, तो हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए, सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बाय नॉट सेइंग इट अगेन, बाय नॉट लेटिंग पीपल हियर द मैसेज रिपीटेडली, यू आर अलाइंग एन इमेज दैट इज कंट्री टू द इंटरेस्ट ऑफ गुजरात टू कंटिन्यू, इट्स इन योर हैंड्स टू चेंज इट। आई नाउ टू रेस्ट, पानी आ रहा है पीछे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। केम हियर हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू, कांट बी थिंग्स आर, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते हैं, थ्री फोर क्वेश्चंस ऑन दैट एंड। मोदी साहब कल देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, मुझे एक चीज समझा सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग व्हाई कांट यू करेक्ट द इमेज। आप 2002 को लेकर, आप यू नो एवर सिंस देन मीडिया के साथ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया। इतना प्यारपूर्ण रिलेशन है, अगर मीडिया इतनी मेहनत ना करता मोदी को बदनाम करने की, तो आज मोदी को कौन जानता जी, मुझे बताइए कौन जानता। लिंचिंग हुई है, जो आप कहते हैं, आपके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि मीडिया मोदी के खिलाफ ही लगी रहती है, तो मैं इसके लिए थोड़ा अलग करता हूँ। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ, और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आँखें हैं, आपकी भी दो आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? आजकल एक टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है? आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या हाँ, है ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है? अखबार आप, टी शर्ट आपके नाम की बिक रही है, टोपियाँ आपके नाम की बिक रही हैं, अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। आप देख नहीं पाया? वो भी मैं देख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिलता इतना। इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ना आप सोते हैं, ना सोने देते हैं। मैं और अगर ये नहीं होगा ना, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा, और इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम मोदा। आएंगे तो मोदी जी, कुछ भी कर लो। और क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। क्या उस ब्रांड मोदी को वो बरकरार रखेंगे? पूर्ण बहुमत, कितनी सीटें, या फिर कुछ नए सहयोगियों को खोजना पड़ सकता है? इन चुनाव में जब मोदी वर्सेस मोदी हो गया है, तब आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? इम्पॉसिबल, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? वो कौन बताएगा? मीडिया को बतानी चाहिए। मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा, नहीं तुम्हारा अच्छा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू, तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।